कहते हैं सफलता तभी मिलती है जब मेहनत की जाती है और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। तो आज एक और ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिनसे आप जानेंगे ये एक व्यापारी होने के नाते उन्होंने शुरुआत कहाँ से की और शुरुआत करने के बाद आज वो गुरुग्राम की जानी मानी हस्ती बन चुके हैं। तो गिरिराज ढींगरा जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। गिरिराज ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। थैंक यू मैडम। गिरिराज जी, आज ये जो कार्यक्रम जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप मिसाल कायम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी व्यापारी हैं, स्पेशली मैं हाईलाइट करना चाहूँगी जितने भी व्यापारी हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गिरिराज जी से। तो गिरिराज जी, सबसे पहले शुरुआत आपने कहाँ से की वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स ने काम शुरू किया जी। हम जब अपना इधर ट्रांसफ़र हुए, अपना नूह में आए सबसे पहले हम जी। तो नूह में आके हमने आटे की चक्की लगाई और उसके बाद फिर हमने ट्रक बनाए। ट्रक बनाने के बाद फिर हम लोग मतलब है कि 1968 में गुड़गांव आए और उसके बाद पूरी लगन और मेहनत के साथ पहले स्टडी की, फिर कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद पूरी मेहनत करते थे हम, मेहनत करके हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। बिल्कुल गिरिराज जी, आपकी मेहनत का ही नतीजा है, इतनी मेहनत आपने की है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो शुरुआती दौर की सबसे पहले बात करेंगे। जब शुरुआत की, आपने बताया कि पढ़ाई शुरू की, उस वक्त ये सब बिजनेस नहीं था, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने इसे एक पौधे को सींचने के लिए जिस तरीके से खाद बीज पानी की ज़रूरत होती है उस तरीके से आपने इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया है। तो क्या शुरुआत में ही सोच लिया था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, एक व्यापारी बनूंगा, या कुछ और लक्ष्य था जीवन का? मैडम, मेरी सोच यही थी कि मेरे को बिजनेस करना है जी। नौकरी मैंने करी 6 महीने, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर था। उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि मेरे को नौकरी नहीं करनी, नौकरी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। उसके बाद फिर मैं बिजनेस में आया। बिजनेस में एक ही चीज़ है, ईमानदारी, कभी किसी से छल कपट मत करो और सबसे अच्छा व्यवहार रखो, किसी के साथ भेदभाव ना करो, सबको साथ लेके चलो, ये हमारी सोच रही है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। लेकिन गिरिराज जी, एक चीज़ और है, व्यापार शुरू करने के लिए जो मुझे लगता है, हमारे जितने भी दर्शक हैं शायद उन्हें भी लगता होगा कि व्यापार शुरू करने के लिए पैसे के साथ साथ बुद्धि के साथ साथ संयम की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं पर वो बहुत अच्छा फल फूल नहीं पाता और बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों का सामना आपने भी करा होगा, तो किस तरीके से टैकल की वो सब सिचुएशंस आपने? सबसे मेन चीज़ है कि आपको बिजनेस के अंदर कभी गुस्से में नहीं आना चाहिए, सबसे प्यार से बात करो, सबको अपना समझ के चलो। अपना वर्कर है तो उसको इतना प्यार दो, उसको ये महसूस ना हो कि मैं इनका वर्कर हूँ। जब आप ये चीज़ सोच लोगे, उनका हक नहीं रखोगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, सब आपके साथ लगेंगे, सब ये सोचेंगे ये मेरा अपना काम है ना कि मेरे सेठ का काम है। आप जब ये चीज़ सोचोगे तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से और सच्चे दिल से काम करोगे, कभी भी प्रभु किसी के दिल को निराश नहीं करेगा। ईमानदारी और समानता, यानी एक दूसरे को समान समझे, सबको एक जैसा इक्वल रखेंगे तो शायद इन चीज़ों की कभी दिक्कत नहीं आएगी। ढींगरा साहब, शून्य से शिखर तक का सफ़र तय करने में क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? परेशानियाँ बहुत आती हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, बिजनेस में कभी उतार है कभी चढ़ाव है, लेकिन यह है कि मेहनत करके हम लोग कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई अच्छे दिन आए हैं, थोड़ा शांत रखो, ठंडे दिल से रहोगे तो सब वो दिन कट जाते हैं। और मतलब सबसे अच्छा है कि आप सबको प्यार बांटो, किसी के कुछ काम आ सकते हो उस काम को करके चलो, आपको अच्छा लगेगा, दिल को शांति मिलेगी। और मेहनत सबसे पहले है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। सफलता हासिल करनी है आपको, मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है, सबको समान रखे बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ संयम, जो ढींगरा साहब ने कहा कि संयम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ढींगरा साहब, इसी के साथ जब शुरुआत की आपने कहा कि आपने सोच लिया था कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना है, मुझे व्यापार में ही कुछ करना है, हालांकि आपने जॉब छोड़ दी उसके लिए, आपको लगा कि जॉब मेरे लिए नहीं है और मुझे कुछ खुद का ही करना है। तो उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया तो मुझे जितना पता है कि बहुत कुछ आपके पास नहीं था, शुरुआत आपने अपने दम पर की, तो पारिवारिक सपोर्ट कितना उस वक्त मिल पाया आपको, क्योंकि खुद का आपका निर्णय था ये उस वक्त?
पारिवारिक सपोर्ट के बगैर तो कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ता। हम चार भाई हैं, चारों ज्वाइंट हैं। आज भी मतलब सब ये कह सकते हैं कि हाँ भी प्यार ऐसा होना चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि आपस में सब मिलके चलो, कुछ साथ नहीं जाना, सब कुछ यहीं रहना है। ये चीज़ सोच के चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो यानी कि जो बिजनेस में आपने रूल बताया कि एक दूसरे को इक्वल रखना और प्यार देना, वो घर में भी रहता है, वो जॉइंट फैमिली में भी देखने को मिलता है, और सभी भाई एक साथ इस बिजनेस को चला रहे हैं, एक साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, चारों भाई हम इकट्ठे चल रहे हैं, 6 बेटे हैं हमारे, सारे एक साथ चलते हैं। किसी को कोई भी बात है, सब एक दूसरे का समाधान निकालते हैं, उसको आगे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यही है कि सारी चीज़ सोच समझ कर उसको आगे बढ़ाओ, कहीं भी कुछ दिल में फ़र्क नहीं आना चाहिए। जहाँ दिल में फ़र्क आ गया तो वहाँ बिजनेस आपका। ठीक है डिंगरा साहब, आपने कहा कि 6 बेटे हैं घर में और आप खुद 4 भाई हैं, मिलकर इस बिज़नेस को चला रहे हैं। जो 6 बेटे हैं, आपने बताया शुरुआत में कि आपका सपना था मैं व्यापारी बनूं, मैं बिजनेसमैन बनूं, परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिला। तो जो बाकी के बेटे हैं 6, क्या उन्हें भी वो इजाज़त थी कि जो वो मन का बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, या किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहाँ जाएँ, उन्हें पूरी आज़ादी थी? उनको पूरी आज़ादी थी और अब भी है, कुछ भी करना चाहे हम उनके साथ हैं। हम एक ही सोच लेके चलते हैं कि बच्चों को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, नाम अपना ऊपर उठना चाहिए। हमारे को सबसे अच्छा लगे कि हम कुछ भी करें, लेकिन समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है। डिंगरा साहब, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, लेकिन एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा आपका उम्र के साथ बढ़ता जा रहा है, तो आपके तजुर्बे के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से व्यापार की, बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताएं। बिजनेस की डेफिनेशन ये है मैम कि सब मेहनत करें, अच्छे से चलें, किसी के साथ फ्रेब ना करें, जहाँ तक हो सकता है अपनी ईमानदारी को आगे लेके चलें। ईमानदारी हमेशा फलती फूलती है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने देती। और जहाँ तक सवाल है भाई, मतलब सब मिल के चलें, सबसे मेन उद्देश्य यही है। तो बहुत आपने अपने बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया है, आपका बहुत बड़ा एम्पायर है, पूरे गुड़गांव में आपका नाम है। तो दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या बिजनेस है आपका, कहाँ से शुरू किया था, आज कहाँ तक पहुँच चुका है? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट में जब पापा हमारे को धंधा संभाला, तब हमारे पास अपना 12 गाड़ी थी। आज मतलब मेहनत करके हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे हैं जी। और उसके बाद डीलरशिप का काम था मेरा, अब भी है। पहले मेरे पास ढींगड़ा मोटर की डीलरशिप थी टाटा की, उसके बाद होंडा स्कूटर की डीलरशिप थी, कार की थी होंडा की, वॉक्सवैगन स्कोडा और टाटा जी। उसके बाद अब 3 डीलरशिप मैंने बंद कर दी और भारत बेंच की डीलरशिप खोली हुई है, मर्सिडीज ट्रकों की। तो होंडा स्कूटर है और मर्सिडीज ट्रकों की डीलरशिप है भारत बेंच के नाम से, ढींगड़ा ट्रकिंग मतलब ने जी। तो वो मतलब एक मेहनत है, मेहनत के हिसाब से मतलब सारा कुछ आगे बढ़ता है, और उसके बाद हम मतलब के सारे मिलके अपना। बिल्कुल ढींगड़ा साहब, मेहनत ही है ये, मेहनत की वजह से ही आज पूरा बिजनेस यहाँ तक पहुँच पाया है। लेकिन जितना कहें कि जोश, जब शुरू किया आपने ये बिजनेस, ये एम्पायर खड़ा करना शुरू किया, जितना जोश उस वक्त था, क्या आज भी वही जोश बरकरार है? बिल्कुल, जोश वैसे का वैसा है। पहले ये था कि मैन पावर कम रखते थे, खुद ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। अब मैन पावर भी है और खुद भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वही है कि भाई मतलब जो स्टाफ है वो साथ चलता आ रहा है, उनको अपना प्यार देते हैं उसी हिसाब से। मैंने आपकी बातों से ये मैं बहुत अच्छे से जान पाई, समझ पाई कि जो जितने भी वर्कर्स हैं शायद आपके साथ, आप बिल्कुल घर वाला माहौल उन्हें देते हैं, शायद इसी वजह से उनका सहयोग भी उतना ही मिल पाता है आपको। परिवार वालों की बात करेंगे, क्योंकि 6 बेटे हैं आपके, क्या उनका भी उतना ही योगदान, उतना ही सपोर्ट है आपको इस बिजनेस में? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है हमारे को, बच्चों का, स्टाफ का पूरा सपोर्ट है, और उसी से ही हम लोग इस स्टेज पे हैं कि हम आगे मुड़ के मतलब आगे बढ़ रहे हैं और सब अच्छे से चल रहा है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आती, सब ठीक रहता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि कहीं भी परेशानी आ भी नहीं सकती, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। परिवार की बात करेंगे, बेटों की आपने बात कही, पूरा सहयोग बेटों का मिल रहा है बिजनेस में। घर में आपकी वाइफ भी होंगी, आपकी बहुएँ भी होंगी,
उन्हें किस तरीके से आप आज़ादी देते हैं या छूट दी गई है, क्या वो भी अपने मन की इच्छा के अनुसार वो करना जो चाहती हैं कर पाएंगी, या उन्हें वो माहौल दिया जा रहा है कि वो भी जो करना चाहती हैं वो फ्री हैं वो करने के लिए? हाँ मैम, सबको पूरी छूट है, कोई भी कुछ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वही है कि भाई एक दायरा और इज्जत जी, उसको सामने रख के चलना पड़ता है और उसके बगैर कुछ भी नहीं। और ढिंगरा जी, जिस तरीके से सभी चीज़ें हम आपसे समझ रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी समझा रहे हैं, तो व्यापार से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई, आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्यापार शुरू कर रहा है, नया नया उसकी तरफ से कोई बिजनेस शुरू किया जा रहा है, तो क्या कुछ परेशानियां उसके सामने आ सकती हैं, और अगर वो परेशानियां आ रही हैं तो किस तरीके से उनका समाधान किया जाए? देखो, परेशानी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें परेशानी ना आए जी। मेन चीज़ है आपको शांति का दान देना पड़ेगा, उसमें शांति से उसको सोचें, प्यार से उसके ऊपर, जहाँ जहाँ कुछ भी परेशानी आती है उसके ऊपर सोच के उसको उसी हिसाब से मतलब सलूशन ढूंढें, उसका समाधान करके उससे आगे चलें। आपको मैं नहीं समझता कि कहीं भी बिजनेस में कोई परेशानी आएगी। तो ढिंगरा साहब, एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप समाज सेवा का भी शौक रखते हैं, तो किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करते हैं, क्या कुछ आप लोगों के लिए करते हैं? मैडम, समाज सेवा का जहाँ तक सवाल है, मैं कॉलेज से ही ये काम करता आ रहा हूँ। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तब मैं कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, शुरू में मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव पहले CR बना करते थे जी। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए तो उसमें हम लोग वाइस प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट के बाद फिर मैं मतलब है कि लोगों के साथ जुड़ा रहा, सेवा करता रहा। उसके बाद पापा को काउंसलर का इलेक्शन ज़बरदस्ती खड़ा करके हमने मतलब लोगों ने खड़ा किया और उनको हाईएस्ट वोटों से काउंसलर बनाया। 32 में से 29 काउंसलर बाबूजी के साथ थे कि हम इनको प्रेसिडेंट अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं। उस टाइम फिर मतलब है कि हरियाणा में जो सीट हुई कि भाई चेयरमैन कौन बनेगा, तो वो लेडी सीट बन गई। तो लेडी सीट होने के नाते फिर कृष्णा पहुजा को चेयरमैन बनाया गया जी। तो उससे लेके तब तक हम लोग अब भी पॉलिटिक्स में पूरा इन्वॉल्व हैं और जहाँ तक अपनी सोच है कि किसी का भी कुछ हम भला कर सकते हैं पॉलिटिक्स के नाते, हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। आप खुद जिस तरीके से आपने कहा कि हमने पिताजी को उस वक्त चुनावों के लिए खड़ा किया, काफ़ी ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत भी दर्ज की, क्या आपका खुद इस तरीके से राजनीति में रुझान है? कभी आपने सोचा हो कि मैं भी राजनीति में आगे बढ़ूं, राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाऊं? मेरी सोच एक ही रही है कि भाई आप किसी का भी कुछ भला कर सकते हो, किसी भी माध्यम से कर सकते हो, वो ज़रूर करो। वो पॉलिटिक्स के तरीके से हो चाहे अपने तरीके से हो, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार है कि भाई किसी का कुछ भला हो सकता है तो जरूर करें। चांस मिलेगा, इलेक्शन में आगे जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई कसम खा रखी है कि नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई मतलब सेवा ही सब कुछ है। अगर आप लोगों के साथ जुड़े हैं, आपको समाज सेवा के तरीके से हो या फिर राजनीति में रहकर हो, किसी भी तरीके से हो, लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और जहाँ तक हो सकता है लोगों का भला होना चाहिए। और किसी भी गरीब को आप ऊपर उठा सकते हो तो अपने आप को ये मतलब मौका समझो कि भी आपको भगवान ने इस काबिल बनाया कि आपने किसी को हाथ पकड़ के ऊपर उठाया जी। तो ढिंगरा जी, आपका जो कहने का मतलब है, जो अभी तक भाव आपका समझ पाई हूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान हो, चाहे वो आपने अपने वर्कर्स की बात की, उन्हें भी आप इक्वल रखते हैं ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, अगर आप उनसे अच्छे रहेंगे तो वो आपके साथ अच्छे रहेंगे और बिजनेस में एक अच्छा सपोर्ट बना रहता है। लेकिन शुरुआती दौर की जब आपने बात की कि टाटा ब्रांड आप लेकर आए मार्केट में, उस समय मार्केट में और भी कई ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, तो कितनी चुनौती आपके सामने उस वक्त आई? उस टाइम जब मैंने टाटा कार की डीलरशिप खोली थी जी, उस टाइम मतलब टाटा थोड़ा डाउनफॉल पे था और हमने पूरी मेहनत करके उसको सक्सेस बनाया। महीने की 250-300 गाड़ी बेची हमने। उसके बाद फिर 2011 में आके वापस टाटा का डाउनफॉल हुआ तो हमने 2015 में उसको बंद किया। उससे पहले मैंने भारत बैंक ट्रकों की डीलरशिप ली जी। उसमें सबसे पहले जो मैंने काम किया कि दो गाड़ी बनाई, उन गाड़ियों को चलाया, जो गाड़ियों की रिपेयर और परफॉर्मेंस को देख के तब मैंने ये डीलरशिप चालू की जी। और उससे मेरे को इतना अच्छा लगा कि भाई गाड़ी इतनी अच्छी है हाँ।
कि रिपेयर नाम की चीज़ ही नहीं है। आपने खुद पहले एक्सपेरिमेंट किया उस चीज़ को लेकर? एक्सपेरिमेंट किया, दो गाड़ियाँ ली, उनको चलाया, चलाने के बाद मैंने उनको 1-1 लाख किलोमीटर चलाया जी। चलाने के बाद फिर मैंने पूरा हरियाणा मेरे पास है, दिल्ली है मेरे पास, तब ये मैंने डीलरशिप चालू की जी। नेहा जी, आपने बताया कि डाउनफॉल आया, दो बार आया, दूसरी बार जब आया तो आपको, आपने ब्रांड को बंद कर दिया, उसके बाद आपने आगे बढ़ने की सोची कि अब किसी और ब्रांड पर इन्वेस्ट किया जाए, कुछ और मार्केट में नया लाया जाए। लेकिन जब एक टर्निंग पॉइंट ही हम इसे कहेंगे कि टर्निंग पॉइंट आया, तो जब आपने उस ब्रांड को बंद करने की सोची तो क्या कुछ चुनौतियां उस वक्त आई, या किस तरीके से सोचा कि अब जो इसमें कमी रही वो अगले में ना रहे, उसे अगले में पूरे किया जाए? ऐसा मैडम, सबसे मेन था कि टाटा की तरफ से कोई नए प्रोडक्ट नहीं आ रहे थे उस टाइम, और नए प्रोडक्ट ना आने की वजह से कस्टमर उतना वो नहीं कर रहा था। तो सोचना यही था कि जब खर्चे नहीं निकलेंगे तो कब तक देंगे हम अपनी जेब से। तो उसके बाद इसको बंद किया। अब मतलब है कि भारत में, मतलब पूरे इंडिया में नंबर वन मैं चल रहा हूँ और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, और साथ में मतलब अब भारत बैंक के साथ साथ मेरे को मर्सिडीज कार की डीलरशिप ऑफर हुई है, वो सेटअप दिल्ली में बन रहा है। तो ये सब उसी वजह से होता है कि सब देखते हैं कि भाई पिछली इनकी बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस तरीके से काम किया, तो उस तरीके से ये सब मतलब हो रहा है। मर्सिडीज ब्रांड का सेटअप आपने बताया कि उसकी शुरुआत हो गई है, दिल्ली में इसकी शुरुआत की जा रही है, तो ये नया अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा है। कार डीलरशिप में पहले भी थे, अब भी हैं, तो ये मतलब एक अच्छा मतलब प्रोडक्ट है, कस्टमर इसको लाइक कर रहे हैं, तो उस वजह से मतलब है कि सब। तो सेटिस्फेक्शन की आपने बात की थी इससे पहले कि कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं जो कमियां रहती हैं उन्हें दूर करना। तो अब जिस तरीके से ब्रांड आगे बढ़ रहा है, आप खुद आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो कमियां पहले रही हैं अब उन्हें पूरा कर लिया गया है, इसीलिए सब एक जैसा हो गया? कमियों का जहाँ तक सवाल है कि मतलब अपनी तरफ से हमारी यही कोशिश रहा है कि भाई कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड रहे, उसको कहीं भी किसी भी एंगल पे कोई परेशानी ना आए। हम लोग खुद चाहते हैं कि भाई कस्टमर जितना संतुष्ट होगा उतनी आगे वो पब्लिसिटी करेगा, उस तरीके से आगे माल बिकेगा, और अगर कस्टमर ही खुश नहीं है तो हम भी कहीं खुश नहीं है। हमारा खुशी का तभी फायदा है जब कस्टमर खुश है और उसको बेटर सर्विस मिले, बेटर परफॉर्मेंस मिले, तो वो आगे चलेगा। ढिंगरा साहब, गुड़गांव में आपका नाम है, पूरे प्रदेश में आपका नाम है, और काफ़ी बिजनेस आपका फल फूल रहा है, तो क्या आप इसे आगे बढ़ाने की भी सोची है कि देश भर में नाम हो, आगे इसे लेकर जाया जाए, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति आपकी तरफ से तैयार की जा रही है, या क्या कुछ भविष्य के लिए सोचा है? भविष्य में यही है मैम कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है काम को वहाँ देख के और उसको आगे बढ़ाया जाए जी। और सबसे मेन चीज़ है कि अपने स्टाफ को प्यार से और उससे काम लेके चलो, और वो आगे आपको बढ़ने देगा, आप कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे जी। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ढिंगरा साहब, कामयाबी का मूल मंत्र क्या देंगे हमारे दर्शकों को? कामयाबी का मूल मंत्र है किसी का बुरा मत सोचो, ईमानदारी से काम करो, जहाँ तक हो सकता है सबका भला करो, तभी आप आगे बढ़ो जी। तो सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ सबके साथ के साथ साथ आपको खुद भी दूसरों के लिए लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस की शुरुआत, जिस तरीके से ढिंगरा साहब ने पहले ही बताया कि बिज़नेस की शुरुआत करने के वक्त बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना, संयम बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ढिंगरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, और जितने भी व्यापारी हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या फिर अगर आपसे वो इंस्पायर होकर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? संदेश यही है मैम कि सब ईमानदारी से काम करें, और मेहनत सबसे पहले है, और अपना जिस जो भी आपके साथ काम में जुड़ा है जी। उसको इस तरीके से साथ लेके चलें कि उसको ये महसूस ना हो कि मैं, मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है जी। या मेरी बात को अनदेखी की जा रही है। आपको सारी चीज़ें देख के आगे बढ़ना।
चलिए ढिंगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहानी कामयाबी की के इस खास कार्यक्रम में ढिंगरा साहब से आपने उनकी कामयाबी का राज जाना कि किस तरीके से उन्होंने शून्य से यहाँ तक का सफ़र तय किया, कि किस तरीके से क्या कुछ परेशानियाँ उनके सामने आई, क्या कुछ चुनौतियाँ रही, और उन सभी का समाधान करने के बाद आज वो प्रदेश में जानी मानी हस्ती बन चुके हैं और उनका नाम अच्छे खासे जितने भी बिजनेसमैन की हम लिस्ट उठा लें तो उनका नाम भी उनमें शामिल है। तो खास ये जो मुलाकात रही या कहानी कामयाबी के इस चैप्टर में ढिंगरा साहब से जो भी आपको सीखने को मिला होगा, उम्मीद करते हैं कि आप उसे अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।